दोस्तों आपका स्वागत है सिविल सपोर्ट पे। दोस्तों बहुत सारी छत ऐसी रहती है जहां मशीन नहीं पहुंच पाती है, वहां पे हमें मतलब कि हाथों से ही छत की ढलाई करनी पड़ती है। और ऐसी जगह पे मतलब कि आपको क्या करना है, माल को अच्छे से मिलाना है, माल आपका पूरी तरह से मिल जाना चाहिए, सीमेंट का जो रेशियो है वो सही से उठाना चाहिए। और सीमेंट इसमें कौन से चलाएं दोस्तों, अगर आपकी छत है तो आपकी छत में सीमेंट दोस्तों आप ओपीसी यूज कर लें अगर हो सके तो, और अगर नहीं हो सके तो आप पीपीसी जो चला रहे हैं वही चलाएं। ये जो ओपीसी और पीपीसी सभी कंपनियों में अवेलेबल है, कोई सी भी कंपनी की सीमेंट आप लगा सकते हो, अल्ट्राटेक या आप किसी भी तरह की सीमेंट ले सकते हो इसके अंदर। ये सीमेंट है, अब जितनी भी कंपनियां बन रही है दोस्तों इनमें सारी में ओपीसी का ऑप्शन आ चुका है। तो आप अगर छत ढलाई करा रहे हो तो पहले तो आप ओपीसी, अगर आपकी लास्ट छत है, जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है काम दोस्तों, यहाँ पे टावर का काम चल रहा है, टावर हमारा एक लास्ट छत हो गई है और इसमें पानी ज्यादा ऊपर जो बारिश इसी के ऊपर होती है टावर पे, और जो फर्स्ट जो सेकेंड फ्लोर होती है उसके ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वही सीमेंट यूज करना चाहिए। और माल आपको 1.5-3 का ही यूज करें, इसमें सीमेंट की मात्रा ज्यादा होगी तभी आपके इसका रेशियो उठेगा। और आपकी जो गिट्टी है आधा एमएम की है, सॉरी दोस्तों आधा इंच की गिट्टी ही यूज करना है। इससे अगर आपने बड़ी अगर यूज की तो फिर आपका 1.5-3 का माल नहीं चलेगा, इसमें आपको रेती की मात्रा थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी। तो इसलिए आपको हमेशा से आधा इंच की गिट्टी ही यूज करना चाहिए। इससे बड़ी अगर गिट्टी यूज करते हो तो आप फिर उसमें 1.5-3 नहीं चला सकते हो, उसमें फिर जो सीमेंट और रेती दोनों की मतलब की ज्यादा खपत होती है और गिट्टी की मात्रा कम हो जाती है। और अगर गिट्टी की मात्रा अगर हमारी कम होती है तो फिर वहां मजबूती भी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर मजबूती दोस्तों गिट्टी से ही होती है और सीमेंट से। रेशियो 1.5-3 का इसलिए कहते हैं कि उसमें गिट्टी की मात्रा ज्यादा रहती है और रेत की कम रहती है, और सीमेंट की दोस्तों गिट्टी ज्यादा होने के कारण ही छत मजबूत रहती है। तो आप अगर छत ढलाई कर रहे हो हाथ से, मशीन वगैरह जहां नहीं पहुंच रही तो वहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी छत का जो माल है वो सही से बनना चाहिए, एकदम परफेक्ट माल आप उसमें अच्छे से घुटाई करें। यहाँ पे देख सकते हो सीमेंट हल्की सी कम पड़ रही है इनको, और इन्होंने सीमेंट ऊपर से डाल रखी है। तो आपको भी रेशियो बिल्कुल एकदम परफेक्ट चलाना है, रेशियो पे फुल ध्यान देना है अगर आपकी लास्ट छत है तो। और ये टावर वगैरह की छत जहाँ मशीन अगर नहीं पहुंच रही है वहां पे आपको ये हाथों से ही काम करना होता है दोस्तों। इसमें काफी मेहनत भी लगती है, मजदूर भी लगते हैं और आपको भी काफी दिक्कत आती है ऐसी छतों में दोस्तों। समझ सके होंगे कि अगर आपको भी अगर टावर वगैरह की अगर ऐसी छत भराना है तो आपको सीमेंट का ध्यान रखना है, माल का ध्यान रखना है, माल का थिकनेस का ध्यान रखना है और माल का रेशियो का ध्यान रखना है, सीमेंट का ध्यान रखना है।